हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए 5 स्विंग ट्रेड लेके आया हूँ, जो आप नेक्स्ट वीक में आप उसमें एंट्री करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो गाइस, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हर तरह के स्विंग ट्रेड देता रहता हूँ, तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मेरे हर तरह के वीडियो में देता हूँ, तो आप उसको ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। ये देखो गाइस, मैंने सैटरडे को दिया था ये वाला स्टॉक। इसमें पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं, इसमें आपको 3 से 12 महीने तक होल्ड रखने पड़ते हैं और उसमें आपको टारगेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, इन द सेंस कि 1x 2x का भी रिटर्न होता है। तो आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो। मैं डेली चार्ट के ऊपर भी देता रहता हूँ और इंट्राडे भी देता रहता हूँ। इंट्राडे में भी आज देखो कि शुक्रवार के मेरे स्टॉक 7-7% अप गए थे, तो वो भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो गाइज, जो स्विंग ट्रेड दिए थे लास्ट वीक, उसका मैं आपको रिकैप बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो मैं आपको एक्सेल शीट पे मोटा मोटा बता देता हूँ कि देखो कितना परफॉर्म कर रहा है। तो लास्ट आप देख सकते हो, कैमलिन दिया था 163 पे, दिया था 195 का हाई मारा था, 19% गया था। आरके फोर्स दिया था 628 पे, 674 का हाई मारा था। उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री 2180 पे दिया था, वो 2340 का हाई मारा था। उसके बाद ATFL था, वह 965 पे दिया था। आप वीडियो को पॉज रख के भी देख सकते हो, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो पिछला देख के सकते हो, तो इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ATFL 965 पे दिया था, 1050 का हाई मारा था। उसके बाद KPR मिल 1450 पे दिया था, 1625, गाइस ये थोड़ा करेक्ट करना, 1625 लिखा है, 1625 का हाई मारा था। उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल्स 1136 पे दिया था, 1090 के नीचे क्लोज देगा तो एग्जिट करना था, तो 1083 का क्लोज दिया, यानी अपने इसमें से एग्जिट करेंगे, 4.63% का अपने को लॉस आया। तो गाइस, आप मोटा मोटा देखोगे तो प्रॉफिट हो रहा है तो अपने को 20% 25% का हो रहा है, जब लॉस हो रहा है तो 4% 5%। तो इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है। तो उसे लास्ट 3 संडे के वीडियो भी देखोगे तो गाइज उसमें भी सारे स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। CDSL देखो 795 पे बोला था, 1000 का हाई मारा था। एस्टर बायोसाइंस 2150 पे बोला था कुछ, वो 2829 गया था। HGS देखो 1650 पे बोला था मैंने, 1850 या 1900 चल रहा है। विष्णु केमिकल 312 पे बोला था, वो अभी करीब 390 का हाई मारा था। सिप्ला देखो 910 पे बाय कराया था, वो भी अभी ऊपर है। वोल्टास भी ऊपर है, प्राज इंडस्ट्री भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइज, अगर मेरे वीडियो आप देखोगे और एनालिसिस करोगे तो सारे स्टॉक में से 80% स्टॉक है वो आराम से 20-25% की मूवमेंट देते रहते हैं और स्टॉप लॉस बहुत कम होते हैं। एक मेरे को बताया वो डॉक्टर लालपेट में हुआ था और ये एक वीक में बजाज इलेक्ट्रिकल्स में हुआ, दो अपने अभी तक स्टॉप लॉस हुए, अदरवाइज स्टॉप लॉस किसी में हुए नहीं और सारे स्टॉक अभी भी एक्टिव ही है। कोई भले साइडवेज चला गया लेकिन लॉस नहीं दे रहा आपने को, वो आज नहीं तो एक दो वीक में चलेगा ही, क्योंकि इसलिए मैं टाइम देता हूँ 1-4 वीक का। तो गाइज, इस तरह ही ट्रेडिंग होती है, रिस्क कम रखना है, रिवॉर्ड ज़्यादा लेना है। तो अपने चलो मैं शुरू करता हूँ आज के 5 स्टॉक, क्योंकि वीडियो में नहीं चाहता कि लंबा हो और आपका टाइम भी वेस्ट हो, तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ 5 स्टॉक। पहले स्टॉक का नाम है गाइज, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा टफ है, इनियोस सिरोल्यूशन इंडिया। गाइज अगर मेरे को गलती हुई तो माफ करना, इनियोस सिरोल्यूशन इंडिया ये स्टॉक का नाम है। और इसमें मेन रीजन क्या है गाइज, मल्टीपल सपोर्टेड ट्रेंड लाइन, आप देख सकते हो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो देखो मल्टीपल सपोर्ट यानी कि, और ये गाइज आप नोट करना, ये स्टॉक है वो 3 घंटे के कैंडल पे मैं ले रहा हूँ स्विंग ट्रेड सारे। तो इधर देखो सपोर्ट लिया, इसके बाद इधर सपोर्ट लिया, उसके बाद इधर सपोर्ट लिया, तो मल्टीपल सपोर्ट है। आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5वीं बार इधर ले रहा है सपोर्ट ले रहा है। अपने को कैसे पता चलेगा कि वो देखो ट्रेंड लाइन को वहाँ पे टच हो रहा है। उसके बाद अपने देखेंगे तो ये देखो एक ये भी बोल सकते हो कि यहाँ से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये देखो यहाँ पे अगर वो ब्रेक करना था तो यहाँ से कर सकता था लेकिन नहीं किया, अभी सपोर्ट ले रहा है। और उसके बाद अपने गाइज ADX को फॉलो करते हैं, आपको पता ही होगा ADX के मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। देखो ADX 25 के ऊपर है और विलियम सर देखो 7-79.13 है, तो ये -80 टच हुआ ही था, मेरे को पता है, मैंने चेक भी किया था तब, तो -80 भी जा चुका है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स अपने बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे देखो नीचे आया था तो स्टॉक ने इधर सपोर्ट लिया
अभी देखो फिर से नीचे आया है -80, तो सपोर्ट ले रहा है। कितनी बार इधर देखो, इधर नीचे आया तो इधर सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन कितना अच्छे से सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। यानी जो प्रीवियस में जो किया वही फ्यूचर में स्टॉक करेंगे ऐसा चांसेस 80% होते हैं। तो देखो इधर भी सपोर्ट लिया, तो बहुत बार ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, यानी स्टॉक यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस कितने हैं 80%। तो अपने इसको बाय कर सकते हैं, अपने को रिस्क कितना रखना है, कम रखना है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये स्टॉक को मल्टीपल सपोर्टेड ट्रेंड लाइन है, बाय ऑन डिप्स विथ ADX है, बाय एट CMP कितना चल रहा है 1338, टारगेट कितना है। गाइज आप इस पर फोकस मत करना है, 1328 है क्लोजिंग प्राइस, एग्जैक्ट नहीं आती है, CMP है यानी मैंने क्लोजिंग प्राइस लिया। तो टारगेट अपना 1470-1550 का रहेगा, SL एग्जिट इफ डेली क्लोज बिलो 1310 के नीचे जाएगा तो अपने से इसमें से एग्जिट करेंगे। 1310 यानी ये वाला प्रीवियस जो लो था एक कैंडल का, आप देख सकते हो डेली क्लोज होना चाहिए गाइज, आप नोट करना, 3 घंटे की कैंडल पे नहीं होना चाहिए, डेली क्लोज, डेली चार्ट जो आता है डेली कैंडल वो नीचे क्लोज होना चाहिए 1310 के नीचे। तो अपना रिस्क कितना हो गया बाइंग लेवल से 2%, रिवॉर्ड कितना हो गया 15%। तो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो कितना अच्छा है इसमें, 1:7 का है, और टाइम हॉरिजन रहेगा वो अपना 1 से 30 दिन का रहता है। गाइज मैं टाइम हॉरिजन आपको इसलिए इतना बताता हूँ क्योंकि कभी कभी मार्केट में स्टॉक होते हैं वो साइडवेज भी चले जाते हैं। तो ये अपना टाइम ओरिजिन रहेगा, तो ये अपना गाइज पहला स्टॉक हो गया। अगर गाइज आप मेरे वीडियो सारे देखोगे धीरे धीरे तो आप भी उसमें इजीली समझ में आएगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि देखो मेरी ट्रेंड लाइन तो कॉमन होती है और सबसे ज्यादा कॉमन ये वाला होता है इंडिकेटर ADX और विलियम सार। अगर ये आप फॉलो करोगे तो आप भी आराम से समझ जाओगे कि स्टॉक कहना चाह रहा है, मतलब अपने को इजीली समझ आ जाएगा कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके वो ऊपर ही जाएगा, प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करके भी ऊपर जाएगा। तो ये अपना हो गया 80% प्रोबेबिलिटी, और 20% अपने स्टॉप लॉस की जगह रखते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टॉक नीचे भी आ जाता है, न्यूज़ खराब आती है, कुछ भी होता है, तो ट्रेंड रिवर्स भी होता है और वो नीचे भी आ सकता है, इसलिए अपने को स्टॉप लॉस फॉलो करना है, वो डेली क्लोज के ऊपर करना है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है HFCL। HFCL में भी सेम सेटअप है, आपने देखा होगा प्रीवियस स्टॉक, तो सेम आपको लगेगा। देखो 3 घंटे की कैंडल है ये, आप ट्रेंड लाइन देखो कितने अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, इधर सपोर्ट लिया तो ये थोड़ा नीचे आया था फिर ऊपर चला गया, फिर इधर सपोर्ट लिया तो और अभी इधर सपोर्ट ले रहा है, तो ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट है ही है, लेकिन साथ साथ क्या है ये देखो रेसिस्टेंट भी आप बोल सकते हो इसको, ये ब्रेकआउट किया, देखो इधर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, और साथों साथ अपने को ये देख सकते हो ADX भी सपोर्ट साथ दे रहा है। ADX देखो 25 के ऊपर है, विलियम्स का -80 है। तो आप ये स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। तो अपना बाइंग करने का रीजन क्या होगा इसमें, स्टॉक का नाम है HFCL, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बाय ऑन डिप्स विथ ADX, बाय ऑन डिप्स विथ ADX। तो अपने कौन से लेवल पे बाय करेंगे, CMP पे बाय करेंगे, 45.35 चल रहा है, आप इस पे मत जाओ गाइस, क्लोजिंग प्राइस अलग है, ये मेरे क्लोज इधर की अलग है और वो अलग है, तो इस पे आप मत जाओ। तो गाइस सेम सेटअप है, तो बाइंग प्राइस क्या रहेगी अपनी इसमें, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, बाय ऑन डिप्स विथ ADX है, बाय एट CMP 45.35, टारगेट 50-55 का रहेगा, SL एग्जिट इफ डेली क्लोज बिलो 44.20, रिस्क कितना है 1:25% का, रिवॉर्ड कितना है 10% मिनिमम है, उससे ज़्यादा जाएगा तो 20% का भी आ सकता है, लेकिन आपने मिनिमम लिया, रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का हो गया, टाइम ओरिजिन रहेगा 1 से 30 दिन का रहेगा। तो ये गाइज अपना दूसरा स्टॉक हो गया HFCL। तो गाइज आप मेरा वीडियो देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और कितना अच्छे से स्टॉक परफॉर्म भी करते हैं। देखो पुराने वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जहाँ पे बाइंग बोला वहाँ से ही ऊपर गया। फिर मैं गाइज एक तो स्टॉक बताना भूल गया आपको, दीपक नाइट्रेट, वो भी मैंने कुछ आई थिंक 1725 पे बोला था, 1800 चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, मैं अभी नाम भी भूल जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये हो गया गाइज अपना दूसरा स्टॉक।
अभी अपने तीसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सीमेंस। सीमेंस में अपना बाइंग करने का रीजन क्या है, तो आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है और उसके पहले ये देखो फ्लैग पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल भी दिख रहा है, एसेंडिंग ट्रायंगल भी दिख रहा है और इधर ब्रेकआउट भी दिया हुआ है स्टॉक में। तो रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट मेन रीजन है। ये देखो इधर रेसिस्टेंट था, इधर था, फिर इधर छोटा सा था, तो देखो इधर भी था, फिर ये फाइनली ब्रेक किया, फाइनली ब्रेक करके स्टॉक नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे कम आ रहा है, ऊपर ज़्यादा जा रहा है, तो अपने को और साथों साथ ADX भी साथ दे रहा है, 25 के ऊपर है, विलियम्स आर देखो -80 के नीचे, यानी स्टॉक ने यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। आप देखो इधर ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और स्टॉक अभी ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो ब्रेक करके ऊपर देखो इधर ऊपर जा चुका है, यानी स्टॉक अभी रेडी है ऊपर जाने के लिए। तो अपने इसमें ट्रेड कर सकते हो क्योंकि रिस्क अपना कम रहेगा और प्रॉफिट आएगा तो बहुत बड़ा आएगा। तो इसमें बाय करने का रीजन रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बाय ऑन डिप्स विद ADX ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट। इसका मतलब क्या, ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट, यानी गाइज मैं आपको समझा दूँ कि देखो अगर स्टॉक यहाँ से समझो कि ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है अपनी, स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे भी आता है 2-4 दिन में तो वो फाइनली यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेगा, यानी 2000 के बीच में सपोर्ट लेगा यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन आ रही है अपनी। तो वो 100% यहाँ पे अगर इनकेस यहाँ से नहीं गया तो यहाँ नीचे साइडवेज भी आ सकता है और यहाँ पे 2000 के बीच में सपोर्ट लेके फिर से वो स्टॉक ऊपर भागेगा। तो ये अपने ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है तो वो अपने को सिक्योर रखेगी, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस तो देखो नीचे है, स्टॉप लॉस देख सकते हो अपना 1965 का है स्टॉप लॉस, तो इसको अपने बाय कर सकते हो। तो आपको मैं बता दूं कि बाय एट CMP 20.37 चल रहा है, 2037 चल रहा है, टारगेट होगा 2140 और 2200 का टारगेट होगा, SL एग्जिट इफ डेली क्लोज बिलो 1965। रिस्क कितना होगा बाइंग लेवल से 3.65 का, रिवॉर्ड होगा वो 8% का होगा अपना मिनिमम होगा, तो रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:2 का होगा, टाइम ओरिजिन होगा वो 1-30 दिन का होगा। तो ये अपना गाइज तीसरा स्टॉक हो गया, आप गाइज इसको ज़्यादा फॉलो करो, जब जब स्टॉक आप देख सकते हो कितना अच्छा, देखो इधर मैं एक्सप्लेन करूँ, देखो इधर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन बाय ऑन डिप्स, देखो ट्रेंड लाइन में कितना अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ पे और सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर भागा, तो सेम इधर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और स्टॉक ऊपर भागेगा। तो गाइज अपने को मेन प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, लेकिन साथों साथ एक दो इंडिकेटर भी अपने को रखने हैं कि जिस पे अपने बिलीव कर सके कि कंफर्मेशन के लिए कि ट्रेंड लाइन तो सही है सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऐसा इंडिकेटर होगा तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक का ये स्विंग लास्ट स्विंग है, फिर स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो इसलिए कंफर्मेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो ये अपना तीसरा स्टॉक हो गया, अभी मैं आपको चौथा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ल्यूपिन। तो ल्यूपिन में आप देख सकते हो गाइस, आपको पता चल ही गया होगा कि ये चैनल, देखो ये चैनल में ट्रेंड कर रहा था स्टॉक, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अभी वो चैनल का अपर जो बैंड था वहाँ से स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है बार बार, यानी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है एकदम। तो इसमें भी वो देखो विलियम्स आर और ADX देखो पुल बैक में, विलियम्स आर ADX देखो 25 के ऊपर है, तो फिर से इधर पुल बैक में आया, तो देखो यहाँ पे तो एक बार सपोर्ट ले चुका है स्टॉक और अभी फिर से इधर सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, अभी फिर से इधर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप गाइस देखोगे तो इसमें एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये देखो एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अभी अपने इसको बाय नहीं कर सकते, रीजन वही है कि यहाँ पे बाय करेंगे तो अपना मतलब रिस्क रिवॉर्ड 50-50 हो जाएगा, मतलब इसमें अपना चांस बहुत कम हो जाएगा, तो अपने इसको चांस मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि आप मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप देखोगे देखो ये जो मेन प्राइस है यहाँ पे बार बार बहुत सपोर्ट ले रहे, देखो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ नीचे आ गया, फिर देखो यहाँ ऊपर गया फिर से नीचे आया, यहाँ ऊपर गया फिर से नीचे आया, यानी स्टॉक का जो ये लेवल है, जो लेवल का ना प्राइस है वो 1220 है, स्टॉक यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम बीता था लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पा रहा 1220 का लेवल। तो अपने ऐसे ही नहीं थोड़ा दिमाग लगा के करना है गाइस, तो अपने को क्या करना है 1220 के ऊपर जब भी यहाँ से ब्रेक करके स्टॉक 1220 जैसा भी आएगा तो अपना वो ट्रिगर प्राइस रहेगा, 1220 के ऊपर अपने इसको बाय कर सकते हैं
और स्टॉक को ऊपर जा सकता है, और अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस लो रहेगा स्विंग का, तो वो कितना है लो 1188 का है, तो बाय है वो गाइज। इसमें कंडीशन है, आप डायरेक्ट मंडे को जाके बाय मत कर लेना, 1220 का प्राइस आए तो ही आप बाय करना, और टारगेट रहेगा वो 1300-1350 का रहेगा। ऐसा एग्जिट इफ डेली क्लोज बिलो 1188, डेली क्लोज होना चाहिए 1188 के नीचे। रिस्क हो गया अपना 2.65, रिवॉर्ड हो गया 10%, रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:4 का, टाइम ओरिजिन हो गया 1 से 30 दिन का। तो आप ध्यान दे सकते हो गाइज, स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार ही है, लेकिन अपने को थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा प्राइस नीचे आ रहा है, तो अपने अभी बाय नहीं करेंगे, 1220 जैसा आएगा तब बाय करेंगे और स्टॉक ऊपर भागेगा, क्योंकि तब तक ये जो डाउन ट्रेंड है वो भी ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ ब्रेक के लिए तैयार ही है, लेकिन अगर ब्रेक होके ऐसे जाएगा स्टॉक तो वो ऊपर जाने के चांसेस 80 से 90% हो जाती है। अभी 50-50 है, स्टॉक नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अपने को ऐसे नहीं ट्रेड करना, जब भी 80% 90% हो तो ही ट्रेड करना है, तो उसके लिए अपने 1220 का वेट करेंगे। ये अपना चौथा स्टॉक हो गया गाइस। अभी मैं आपको पांचवा स्टॉक बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कैडिला हेल्थ केयर। तो कैडिला हेल्थ केयर में गाइस देखो कि 3 घंटे की कैंडल सब में यूज़ की है, तो देखो ट्रेंड लाइन कितना अच्छे से सपोर्ट दे रहा है अपना। देखो इधर सपोर्ट लिया, अभी इधर सपोर्ट फिर से ले रहा है, और उसके साथ साथ आप देखोगे कि रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। देखो इधर रेसिस्टेंट था, वो यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया 700। देखो इधर ADX भी माइनस में 80 विलियम्स आ रहा था, मतलब पुल बैक में आया हुआ था, तो एक बार तो आ चुका है, तो अपने इसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वो अभी ट्रेंड लाइन पे खड़ा है स्टॉक, तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो अपने इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, अपना रिस्क कम रहेगा। आप देख सकते हो कैडिला हेल्थ केयर में रेसिस्टेंट बिकेम सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और बाय ऑन डिप्स विथ ADX, यानी 3 कंफर्मेशन अपने को मिल रहा है, तो इसमें अपने एंट्री कर सकते हैं। बायर CMP पे ही बाय करना है, 621.3 है टारगेट रहेगा, 670-700 का। एग्जिट इफ डेली क्लोज बिलो 602 से, ये जो लो है प्रीवियस लो इसका 602 के नीचे, यहाँ पे गाइज अगर डेली क्लोज देता है तो अपने इसमें से एग्जिट करेंगे। तो रिस्क कितना हो गया 3.10 का, और रिवॉर्ड 12 का हो गया, रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का हो गया, इसमें भी टाइम ओरिजिन रहेगा वो 1 से 30 दिन का रहेगा। तो ये गाइज अपने 5 स्टॉक हो गए स्विंग ट्रेड के लिए, आप इसमें ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। अगर आपको गाइज समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली मैं मेजोरिटी सेम चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। तो ये पहला स्टॉक हो गया अपना आइनॉक्स सिरोल्यूशन इंडिया। गाइज अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा तो माफ़ कर देना प्लीज़। और दूसरा स्टॉक हो गया HFCL, तीसरा स्टॉक हो गया सीमेंस, चौथा स्टॉक हो गया ल्यूपिन, और पांचवा स्टॉक हो गया अपना कैडिला हेल्थ केयर। यहाँ पे मैंने सारा डिटेल लिखा हुआ है प्राइस, तो आप पॉज करके भी देख सकते हो कि स्टॉप लॉस लेवल कौन सा है। तो गाइज अपने 5 स्टॉक हो गए, आप उसमें ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, आपको हर तरह के ट्रेड मैं देता रहूँगा और उसमें भी अच्छे मुनाफा कर सकते हो आप। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।